आपके अपने चैनल टॉप से और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड से स्टॉक में देखें तो लास्ट फ्राइडे के दिन 1 रुपए 55 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक आधे परसेंट के करीबन का मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था जिसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहेगा, यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक के निचले लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। स्टॉक का एक टॉप बॉटम बना 306 रुपीज, 306 रुपीज के से स्टॉक में एक टॉप बॉटम बना। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जहां पर बाजार में भी चारों तरफा बिकवाली देखने को मिली है। इस वजह से इस स्टॉक के भी ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। स्टॉक का नीचे के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 275 रुपीज, 275 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इस प्राइस से ऊपर रहता है, इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 283 रुपीज, 283 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से स्टॉक एक बड़ी तेजी दिखा सकता है। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 285 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 335 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।